नमस्ते दोस्तों, मैं हूं संग्राम सिंह और सबसे पहले आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आज आपको बताऊंगा कि भगवान श्री राम के जीवन से हमें क्या सीखना चाहिए, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा गया है। तो बात है ये कि हम हमेशा नॉर्मली बात करते हैं, हमारी जिंदगी में थोड़ी सी कठिनाई आ गई, थोड़ी सी दिक्कत आ गई, तो हम पता क्या सोचते हैं कि पता नहीं भैया क्या तूफान टूट गया, क्या हो गया। एक भगवान श्री राम थे, एक दिन एक रात पहले वो राजा बनने वाले थे, पूरे अयोध्या का राजा बनने वाले थे। नेक्स्ट सुबह उनको पता चलता है कि वो राजा नहीं बन रहे हैं, उनको 14 साल का वनवास हो गया है और आपको अब उनको वनवास पे जाना पड़ेगा। मगर क्या है कि भगवान को श्री राम कैसे बने, मैं आपको पहले बता रहा हूं कि हमें क्या सीखना चाहिए। एक तो भगवान श्री राम ने कोई चमत्कार या ऐसा कुछ नहीं दिखाया, वो बहुत सिंपल रहे। उनकी जिंदगी से हमें प्रेरणा मिलती है कि अगर आम इंसान भी सही सच्चाई पे और सही उसूलों पे चले तो वो भी भगवान के समकक्ष पहुंच सकता है, क्योंकि उन्होंने कोई चमत्कार नहीं दिखाया, कोई कुछ नहीं दिखाया, नॉर्मली रहे। जब राजा बनने वाले थे, शाम उनकी शाम मतलब सुबह राजा बनने वाले थे, उनका राज्याभिषेक होने वाला था, तो शाम को केकई जो जो उनकी जो एक स्टेप मदर थी, सौतेली माँ थी, जो भरत की माता थी, उन्होंने राजा दशरथ को बोला कि उदासी ने बोला, मंथरा ने बोला, किसने बोला, चलो ठीक है, उन्होंने बोला कि मुझे आपने 2 वर दिए थे। बोले हाँ, तो बताइए। तो 2 वर, एक आप सबको पता है कि एक तो उसने बोला कि भैया राम को तो 14 साल का वनवास भेजो और भरत को राजा बना दो। तो ये सुनते ही दशरथ बिल्कुल लेट गए। फिर दशरथ लेट गए तो राम को बुलाया गया, जो उनका वहाँ पे जो उनका राजनीतिक गुरु था वो राम को बुला के लाया। तो उस देखा तो उसने देखा कि ऐसे राजा दशरथ, जो बहुत बड़े राजा थे, ऐसे जमीन पे लेटे हुए थे, फर्श पे लेटे हुए थे, जो कालीन बिछा हुआ था। तो उसने देखा कि क्या पिताजी को क्या हो गया। उसने माँ से पूछा, पहले उसने माँ को नमस्ते किया, पूछा, बोली पिताजी को पुत्र मोह हो गया है। बोला पुत्र मोह मतलब कि मैंने इनसे 2 वरदान मांगे हैं कि भरत को राजा बना दो और आपको वनवास भेज दो। तो राम का पता क्या रिएक्शन था, बस इतनी सी बात माँ, सिचुएशन रिएक्शन रिजल्ट SRR, मैंने पहले ही बोला है। तो उस छोटे से रिएक्शन ने भगवान को राम को श्री राम बना दिया। अगर अयोध्या में रहता ना तो दशरथ का बेटा राम रहता, युवराज राम रहता, या राजा राम हो जाता, उससे ज्यादा क्या होता। मगर जब वो 14 साल के लिए बनने गया ना, वनवास उसने काटा, उसने सारी चीजें की, तो वो भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो गए। तो याद रखो, जब भी जिंदगी में कोई परेशानी आती है, जब भी कुछ भी होता है, तो हमें है ना कभी घबराना नहीं चाहिए। परेशानी तो एक आमंत्रण है कि भैया इससे हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। खुद बताओ ना कि हमारे घर में कोई बहन बेटी होगी तो हम उसका रिश्ता किससे करेंगे। कोई लड़का अच्छा ढूंढेंगे कि भैया अच्छा लड़का है, अच्छी जॉब कर रहा है, अच्छा कमाता है, नशा नहीं करता है, दूर रहता है। तो भैया याद रखो, चुनौती परेशानी ये भगवान जी की लड़की है और अपनी लड़की का हाथों उसी को देता है जो इसके काबिल होता है, लायक होता है। तो आपकी जिंदगी में कितनी परेशानी आ जाए, कितनी दिक्कतें आ जाए, कितनी मुश्किलें आ जाए, कभी हिम्मत मत हारो। एक परेशानी में एक अपॉर्चुनिटी छिपी होती है, तो उसको पहचानो। देखिए, जब तक अगर जिंदगी में सब कुछ ऐसे ही मिल गया, सब उसका फायदा क्या है। अगर भगवान श्री राम अगर 14 साल वो सब नहीं करते, तो भैया आज हम उनको याद थोड़ी करते कि उन्होंने रावण को मारा, किसको मारा, क्या किया। हम उनको याद इसलिए करते हैं, उन्होंने बगैर कोई जादू दिखाए, बगैर कुछ किए, सिंपल होते हुए उन्होंने आम इंसान को अपने साथ लिया, मल्लाओं को, वानर सेना को, बाकी उन सबको अपने साथ लेके चलते बने, चलते मतलब चलते चलते आगे आगे गए। और रावण जैसे जो एक अपने आप को बड़ा महान कहता था, राजा कहता था, मैं तीनों लोक पे राजा वो कर लेता हूँ, राज्य कर लेता हूँ, इनको तो पता है क्या वनवासी बोलता था वो, और इन्होंने उनको हरा दिया। तो याद रखो, अगर आप सही रास्ते पे हो, सच्चाई के रास्ते पे हो, कितनी परेशानी आ जाए, कुछ भी आ जाए, क्योंकि देखिए सच्चाई परेशान सकती है, पराजित नहीं। तो भगवान राम के जीवन से हमें, अगर मैं बताऊंगा तो रात हो जाएगी इस पे, हमें उनके चिन्हों पे चलना चाहिए और जो उन्होंने हमारे लिए बनाया है, जो इतनी अच्छी शिक्षा छोड़ के गए हैं, हमें उसका पालन करना चाहिए। तो भैया आप सब खुश रहो, परमात्मा आप सब खुश रखे। नमस्ते।